जी आया नू प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में असी 8th क्लास दी साइंस दी बुक दा चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर, उस चैप्टर विच आए हुए जिहड़े की वर्ड्स जिहड़े हैगे ने, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैगियां ने, उहदी जो टर्मिनोलॉजी है, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मीनिंग्स एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दोज की वर्ड्स। सो आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि तुसी अपनी नोटबुक ले लो, नाल पेन ले लो एंड कीप पॉजिंग दी वीडियो एज एंड व्हेन नीडिड एंड कीप नोटिंग डाउन दी नोट्स विच आई हैव मेड फॉर यू। सो आओ देखिए, शुरू करिए हुन। द फर्स्ट वन इज एटमोसफेरिक प्रेशर। द मास ऑफ एयर सराउंडिंग, सराउंडिंग मैंने जिन्हें घेरिया होया, दी अर्थ इज़ नोन एज एटमोसफियर। सानू नज़र नहीं आता है जिहड़ी हवा साडे आले दुआले हैगी है, इट एक्सटेंड्स टू मैनी किलोमीटर्स अबव अस, अर्थ सरफेस तो लैके काफ़ी किलोमीटर्स तक यह सारा जिहड़ी अर्थ हैगी है, इट इज़ एनवेलप्ड बाय अ गैशियस एनवेलप, यू नो, वो मतलब कि एक किस्म का घेरिया होया इन्हें। सो द मास ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज़ नोन एज एटमोसफियर एंड द प्रेशर एग्जर्टेड बाय दिस एटमोसफियर इज नोन एज एटमोसफेरिक प्रेशर। सो एटमोसफियर इज अ नाउन एंड एटमोसफेरिक इज एन एडजेक्टिव। प्रेशर इज ऑल्सो नाउन, सो एटमोसफेरिक प्रेशर मीन्स द प्रेशर एग्जर्टेड बाय दी एटमोसफियर। एंड वट इज एटमोसफियर? एटमोसफियर इज द मास ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। जो हवा ने, जो सारी है हवा का मिश्रण हैगा, इट हैज़ गॉट ऑक्सीजन, इट हैज़ गॉट नाइट्रोजन, है ना, इट हैज़ गॉट सम ट्रेस गैसेज ऑल्सो लाइक आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेज आर देयर, बट चीफली इट कॉन्सिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दी अर्थ ऑन दी एटमोसफेरिक गैसेज सराउंडिंग इट। एंड वट इज़ दी रीजन बिहाइंड इट एटमोसफेरिक प्रेशर? क्योंकि गैसेज दे कॉन्सिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑल्सो हैव मास, दो दी मास इज वेरी स्मॉल, दे आर वेरी लाइट, बट दे हैव मास एंड इट मीन्स दे आर बीइंग पुल्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ दी अर्थ। तो जो मास है, गैस हैगी है, उन्होंने भी अर्थ जी है, धरती है, अपने वाल खिंच रही है। सो जो खिंचती है तो साढ़े प्रैशर पाता है। ठीक है ना, सो इट इज़ कॉज्ड, दिस प्रैशर एटमोसफेरिक प्रैशर इज़ कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दी अर्थ ऑन द एटमोसफेरिक गैसेज सराउंडिंग इट। मतलब कि एटमोसफेरिक प्रैशर क्यों आता है? क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो गैसेज न अपने वाल खिंचती है। ठीक है, फिर अगली गल है, द एटमोसफेरिक प्रेशर डिक्रीजिज विद हाइट अबव द अर्थ सरफेस। अर्थात अर्थ के सरफेस तो जिवें जिवें तुसी उपर जाई जाओगे तो एटमोसफियर घटता जाएगा, एटमोसफेरिक प्रेशर घटता जाएगा। सो यदा मतलब की है, वट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस? वी कैन से दैट दस द एटमोसफेरिक प्रेशर ऑन माउंटेन्स इज लैस दैन ऑन द प्लेन्स। अगर तुम पहाड़ों पर चले जाओ, शिमला चले जाओ, माउंट एवरेस्ट पर चले जाओ, उत्थे एटमोसफेरिक प्रेशर जड़ा है वो घट होएगा, तो एटमोसफेरिक प्रेशर ऑन दी प्लेन्स धरती ते है ज़्यादा होएगा। सो एज यू गो अबव दी अर्थ सरफेस दी एटमोसफेरिक प्रेशर डिक्रीजिज। दिस इज वन फैक्ट विच यू मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। आगे चलिए हुन। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अ फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ओनली वेन दी ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इट्स वेरी सिंपल, इट्स लाइक अ प्लेन इंग्लिश वर्ड, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट मैंने होंगे एक दूजे के संपर्क में आना, एक दूजे न जुड़ना। ठीक है, सो इस दो बॉडीज एक दूजे न जुड़दी हैं, उन्होंने जो सतह है, उन्होंने सरफेस है ने, वो एक दूजे न टच करते हैं। सो अ फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ओनली वैन द ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट, मतलब फोर्स तद ही लगेगा जदों दोनों ऑब्जेक्ट्स, दो चीज़ा एक दूजे को छून गई, एक दूजे को टच कर गई। ठीक है, दैट फोर्स इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। द फोर्स एक्ट्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेस टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, हुण ऑब्जेक्ट तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, वड्डे साइज़ के, तो जो टच करते हैं दे डू नॉट टच एट ऑल द पॉइंट्स, दे टच ओनली एट सर्टन पॉइंट्स। ठीक है, सो जिहड़ा फोर्स आएगा इट विल बी फेल्ट ओनली एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, या और एट द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, यह गल का ख्याल रखना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सिज, हम कॉन्टैक्ट फोर्सिज दो टाइप के ने, वन इज मस्कुलर फोर्स
and another is friction. We will be talking about muscular force and friction separately. Is karke itte asi enu describe nahi kar rahe, but you keep this in mind that there are two types of muscular forces. One is muscular force, there are two types of contact forces. One is muscular force and the other is friction. ठीक है बच्चों, ए सारी बच्चों जस्ट एक किस्म की है, समझो थोड़े पूरे चैप्टर के नोट्स जड़े ने ये ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे सारे. ठीक है, आओ अगे चलिए. ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. जिस तरह हमने असी कॉन्टैक्ट फोर्स की गल की है, इन विच द बॉडीज कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स is that force which comes into play when the bodies are not in contact with each other. So electrostatic force is a type of non-contact force exerted by a charged body on another charged body or uncharged body. So you have to memorize this term, charged body on another charged or uncharged body. Bodies are not in contact when this force comes into play. Jadon hai force अपना कम करता है, कम्स इन टू प्ले, मैंने जब अपना कम करता है, अपना असर दिखाता है, उसले बॉडीज एक दूजे नूं टच नहीं कर रही होंगे, दूर दूर होंगे. दिस फोर्स कैन बोथ बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अर्थात पुल भी कर सकता है तो पुश भी कर सकता है. अट्रैक्टिव मीन्स पुलिंग, रिपल्सिव मीन्स पुशिंग. मतलब कि दिस फोर्स कैन ब्रिंग अनदर ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ और दिस फोर्स कैन ऑल्सो मूव द अदर ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम इटसेल्फ. ठीक है, दोनों का डिस्टेंस डिक्रीज भी हो सकता है तो दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इनक्रीज भी हो सकता है. अट्रैक्टिव मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज डिक्रीजिंग, रिपल्सिव मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज इनक्रीजिंग. ठीक है, सो वन डज दैट हैपन, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, लाइक देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. इफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड और इफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, देन दे आर नोन एज लाइक चार्ज्ड. सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जे दोनों पॉजिटिव होंगे दे विल रिपेल ईच अदर, जे दोनों नेगेटिव होंगे दे विल रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अगर एक नेगेटिव होएगा तो एक पॉजिटिव होएगा, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. दिस इज वन पॉइंट. तो दूजी गल है, एंड चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट्स अनदर अनचार्ज्ड बॉडी. तो जिहड़ी बॉडी चार्ज्ड होएगी, चाहे वह पॉजिटिव चार्ज होवे चाहे नैगेटिव चार्ज होवे, वो दूसरी बॉडी जिहड़ी अनचार्ज्ड है उन्हें हमेशा अट्रैक्ट करेगी. यह बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट गल है, इनू नोट कर लो चंगी तरह, तो इनू रट्टा लगा लो. रट्टा लगाने कोई माड़ी गल नहीं, पर नाल नाल समझी जाओ. जिले रट्टा लगाओ तो उच्ची उच्ची बोलो. हुण मैं तुहानू बोल के समझा भी दिता इहदा की मतलब है. लाइक चार्जेस मीनस बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नैगेटिव. अनलाइक ऑपोजिट चार्जेस मीन्स वन इज पॉजिटिव वन इज नैगेटिव. उन्होंने कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी नैगेटिव हो सकता है. ठीक है ना, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. लाइक चार्जेस बोथ पॉजिटिव बोथ नैगेटिव, दे विल रिपेल ईच अदर. एंड वन चार्ज बॉडी ईदर पॉजिटिव और नैगेटिव डज नॉट मैटर, तो दूजी अनचार्ज बॉडी दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है बच्चे, आओगे चलिए. ओके, फोर्स है बच्चों थोड़ा, क्योंकि फोर्स इज द मेन ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਦਿਸ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਸਲਾਈਟਲੀ ਬਿਗਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਟ੍ਰਾਈਡ ਟੂ ਕਵਰ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਫੋਰਸ ਇਨ ਐਜ ਫਿਊ ਵਰਡਸ ਐਜ ਪੋਸੀਬਲ. ਇਹ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਲਾਈਡਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਅ ਪੁਸ਼ ਔਰ ਅ ਪੁੱਲ. ਜਾਂ ਪੁਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੁੱਲ ਹੈਗਾ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਔਨ ਐਨ ਓਬਜੈਕਟ, ਕਿਸੇ ਓਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਓਬਜੈਕਟ ਦੂਜੇ ਓਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਟਸ ਐਗਜ਼ਰਟਿੰਗ ਅ ਫੋਰਸ. ਸੋ ਦੈਟ ਫੋਰਸ ਕੁੱਡ ਬੀ ਪੁਸ਼, ਦੈਟ ਫੋਰਸ ਕੁੱਡ ਬੀ ਅ ਪੁੱਲ. ਫੋਰਸ ਕਮਸ ਇਨ ਟੂ ਪਲੇ ਵੈਨ ਐਟ ਲੀਸਟ ਟੂ ਓਬਜੈਕਟਸ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਓਬਜੈਕਟ ਕੈਨ ਨੋਟ ਐਗਜ਼ਰਟ ਫੋਰਸ ਔਨ ਇਟਸ ਓਨ. ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ. ਸੋ ਐਟ ਲੀਸਟ ਦੇਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੂ ਓਬਜੈਕਟਸ ਇੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਫੋਰਸ ਕੈਨ ਕਮ ਇਨ ਟੂ ਪਲੇ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀ ਜਾਓ. ਦਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਨ ਓਬਜੈਕਟ ਵਿਦ ਅਨਦਰ ਓਬਜੈਕਟ. ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ. ਵੈਦਰ ਦੇ ਕੁਡ ਬੀ ਟਚਿੰਗ ਈਚ ਅਦਰ ਔਰ ਨੋਟ ਟਚਿੰਗ ਈਚ ਅਦਰ. ਵੈਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ, ਵੈਨ ਦੇ ਕਮ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ.
when they do not touch each other, then there is a non-contact force. Okay? Thus, interaction of one object with another object results in a force between the objects. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਬਜੈਕਟ ਦਾ ਦੂਜੇ ਓਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਅਪੋਨ ਈਚ ਅਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਰਸ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਏ ਇਟਸ ਸਟਰੈਂਥ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਨੀ 2 ਕਿਲੋ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਕਿਲੋ ਹੈ ਸੋ 2 ਹੋਰ 4 ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਕਿਲੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਸੋ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਰਸ ਵੀਕ ਹੈਗਾ ਮੋਡਰੇਟ ਹੈਗਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਵੀਕ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਵੀ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੋਕਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਮੂਵਿੰਗ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਸ਼ ਹਾਰਡਰ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਔਰ ਸਟਰੈਂਥ ਐਂਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿੱਚ ਇਟ ਐਕਟਸ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਟੂਵਰਡਸ ਨੌਰਥ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਟੂਵਰਡਸ ਸਾਊਥ ਟੂਵਰਡਸ ਈਸਟ ਟੂਵਰਡਸ ਵੈਸਟ ਟੂਵਰਡਸ ਅਪ ਟੂਵਰਡਸ ਡਾਊਨ ਟੂਵਰਡਸ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਸੋ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਏ ਬੋਥ ਦੀ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਦ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੀ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਔਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਚੇਂਜਿਸ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਫੋਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬੋਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਘੱਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਤਾ ਅਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ ਇਫੈਕਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੂਵਰਡਸ ਈਸਟ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ ਇਫ ਆਈ ਪੁਸ਼ ਇਟ ਟੂਵਰਡਸ ਵੈਸਟ ਉਹ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਚੇਂਜ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈਜ ਚੇਂਜਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈਜ ਚੇਂਜਡ ਓਕੇ ਸੋ ਈਦਰ ਬਾਏ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੀ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਔਰ ਬਾਏ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਔਰ ਬੋਥ ਯੂ ਚੇਂਜ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਦੀ ਫੋਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਫੋਰਸਿਸ ਅਪਲਾਈਡ ਔਨ ਐਨ ਓਬਜੈਕਟ ਇਨ ਦੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਰ ਐਡਿਡ ਐਂਡ ਇਫ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਐਕਟ ਇਨ ਦੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟਿਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਝਣ ਲਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਕਾਲ ਯੂਅਰ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 6th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 7th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਆਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਇੰਟੀਜਰਸ ਔਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ 8th ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਓਨਲੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਅਬਵ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੀਜਰਸ ਔਨ ਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰਸ ਔਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨੌਰਥ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੌਰਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 4 ਯੂਨਿਟਸ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 2 ਯੂਨਿਟਸ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ 4-2 ਨੈੱਟ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ 2 ਯੂਨਿਟਸ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕੋ ਓਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 4 ਯੂਨਿਟਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2 ਯੂਨਿਟਸ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4+2 6 ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੈਨ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆਰ ਐਕਟਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਔਨ ਐਨ ਓਬਜੈਕਟ ਦੈਨ ਯੂ ਐਡ ਦਾ ਫੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਇਫ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਐਕਟ ਇਨ ਦੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਔਨ ਐਨ ਓਬਜੈਕਟ ਦੈਨ ਯੂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਐਨ ਓਬਜੈਕਟ ਮੇ ਬੀ ਐਕਟਿਡ ਅਪੋਨ ਬਾਏ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਓਬਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 2, 3, 4, 5 ਕਿੰਨੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਯੂਅਰ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਅਤੇ ਦੀ ਨੈੱਟ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਨੈੱਟ ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਇਟ ਜਿਹੜੇ 4, 5, 6 ਫੋਰਸ ਇਕੱਠੇ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ -4+8 -3+12 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
जिहड़े माइनस वाले ने उन्हां नूं अलग ऐड कर लिया, जिहड़े प्लस वाले ने उन्हां नूं अलग ऐड कर लिया, तो इस तरह फिर असीं की कीता उन्हां नूं ए उहदा नैट रिजल्ट कढ लिया ते कहिंदे इट इज़ ईक्ल टू सो एंड सो नंबर। इसी तरह जिहड़े फोर्स नॉर्थ विच एक्ट कर रहे ने उह सारे नूं ऐड कर लिया, जिहड़े फोर्स सारे साउथ विच एक्ट कर रहे ने उह सारे नूं ऐड कर लिया ते दोनों का डिफरेंस लै लिया, या जिहड़े फोर्स सारे ईस्ट विच एक्ट कर रहे ने उन्हां नूं ऐड कर लिया, जिहड़े सारे वैसट विच एक्ट कर रहे ने उन्हां नूं ऐड कर लिया, दैन यू टेक द डिफरेंस बिटवीन द ईस्ट एंड वैसट। सो इस तरह बच्चों ए जिहड़ी गल है दिस इज़ ऑलसो वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप आई हैव बीन एबल टू पुट यू अक्रॉस, ठीक है ना, पुट अक्रॉस यू। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ए तीन काम करता है, यह भी अच्छी तरह याद कर लो, मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिदा बॉल नूं प्रेस करते हैं पिचक जाती है, एक डो होंदा जिहड़ा आटा गुन्निया होंदा पेड़ा होंदा है ना, उन्हूं असी पेस्ट्री रोलर नाल प्रेस करते हैं तो वह फिस जाता है, फिर रोटी बन जाती है, वो स्प्रिंग नूं पुल करते हैं तो वह लंबा हो जाता है। सो इट इज़ चेंजिंग द शेप, सो फोर्स मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, वह आकार चेंज हो जाएगा। दूजी गल, इट मे कॉज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। हुण स्टेट ऑफ मोशन विच भी बच्चों दो चीज़ां होंदियां हैं, एक तो चेंज इन स्पीड एंड और डायरेक्शन ऑफ मोशन। जदों कोई चीज़ मूव कर रही है तो असी की कहने, वी हैव टू आस्पैक्ट्स ऑफ मोशन, असी कहने कितनी तेज़ चल रही है तो कि दिशा विच चल रही है, उन्होंने कहने स्पीड एंड डायरेक्शन। तो यह दोनों चीज़ों का जो कंबीनेशन है, दैट इज़ हाउ फास्ट अ बॉडी इज़ मूविंग एंड इन वन डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन द बॉडी इज़ मूविंग, यह दोनों का कंबीनेशन किया जाता है स्टेट ऑफ मोशन। सो फोर्स मे कॉज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अगर स्टेट ऑफ मोशन, इफ बॉडी इज एट रेस्ट, दैट इज ऑल्सो स्टेट ऑफ मोशन। वाई बॉडी एट रेस्ट इज अ स्टेट ऑफ मोशन, बिकॉज वी कैन से दैट इन दिस स्टेट ऑफ मोशन द स्पीड इज जीरो। जो बॉडी रेस्ट पर हैगी है तो असं कहने द स्पीड इज जीरो, सो इट इज ऑल्सो स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। सो इट कैन चेंज द स्पीड एंड और डायरेक्शन, अर्थात वो स्पीड भी चेंज कर सकता है फोर्स, वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, या दोनों नूं चेंज कर सकता है। इफ बॉडी इज़ मूविंग तो उसी डायरेक्शन विच अगर फोर्स पुश करे तो उसकी स्पीड इनक्रीज़ हो जाएगी, तो अगर वो उन्हूं ऑपोजिट डायरेक्शन पुश करे तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, तो अगर वो डायरेक्शन दे परपेंडिकुलर उन्हूं पुश करे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना। सो इट मीन्स द फोर्स कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, एंड वैन वी से स्टेट ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन मीन्स चेंज इन स्पीड एंड ऑब्लीक और डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है बच्चों। यह मतलब की है कि एक लाइन में ही तीन पॉइंट लिख देते हैं, बजाय अलग इदा लिखन दे इट मे कॉज अ चेंज इन डायरेक्शन, इट मे कॉज अ चेंज इन स्पीड, फिर लिखेंगे इट मे कॉज अ चेंज इन डायरेक्शन एंड स्पीड, ठीक है ना। सो यह पूरी तीन पॉइंट में असं एक पॉइंट में ब्रीफली लिख दिता तो सानू गल आराम ना समझ आ गई, नाले याद करना भी आसान आ गया हो गया। तो तीस सी हैगा मे कॉज बोथ ए एंड बी, हूँ ए भी तो बी भी, अर्थात इट मे कॉज बोथ द चेंजिज साइमल्टेनियसली, अर्थात इट मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑल्सो, इट मे चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो, इट मे चेंज द स्पीड ऑल्सो। सो सारे इकट्ठे काम भी कर सकता है, इतने इट मे चेंज ओनली द शेप बट नॉट स्पीड और डायरेक्शन, इतने इट मे चेंज द ओनली द स्पीड और इट मे चेंज ओनली द डायरेक्शन, और इट मे चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, तो इतने आ गया इट मे चेंज शेप, इट मे चेंज डायरेक्शन, इट मे ऑल्सो चेंज द स्पीड। सो दीज आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट अराइजेज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सर्फेसिज। तुम्हें दसिया बच्चा वट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स कम्स इन टू प्ले वैन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड द फोर्सेज कम इन टू प्ले एट द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट अराइजेज मैंने कम्स इन टू प्ले, उभरता है, जन्म लेंदा है, अपना असर दिखाता है वैन द कॉन्टैक्ट ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सर्फेसिज। इट ऑलवेज एक्ट्स, इतने बच्चे मेरे को स्पैलिंग गलत हो गए, इतने एक्ट नहीं है, इतने एस लगा लेना नाल एस, क्योंकि इट है ना, इट दे नाल हमेशा एस आएगा। सो इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड हैंस
slows it down. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਫੋਰਸ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੇ ਕੈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਲਸੋ, ਬਟ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਦੀ ਸਪੀਡ। ਐਂਡ ਫੋਰ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਚਾਰੋ। ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਰੋਲਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਲੂਇਡ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਨ ਵੈਲਿਊ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਰੋਲਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਲੂਇਡ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨ ਯੂ ਰਾਈਟ ਅਬਾਊਟ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਯੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਰਾਈਟ ਦੀਸ ਫੋਰ ਟਾਈਪਸ ਆਲਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਓਕੇ, ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਐਵਰੀ ਓਬਜੈਕਟ, ਹਰ ਵਸਤੂ, ਲਾਰਜ ਔਰ ਸਮਾਲ, ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਐਗਜ਼ਰਟਸ ਅ ਫੋਰਸ, ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਨ ਐਵਰੀ ਅਦਰ ਓਬਜੈਕਟ ਇਨ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਐਵਰੀ ਓਬਜੈਕਟ ਲਾਰਜ ਔਰ ਸਮਾਲ ਐਗਜ਼ਰਟਸ ਅ ਫੋਰਸ ਔਨ ਐਵਰੀ ਅਦਰ ਓਬਜੈਕਟ ਇਨ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਲਾਰਜਰ ਓਬਜੈਕਟਸ ਐਗਜ਼ਰਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਫੋਰਸ। ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਸਮਾਲਰ ਓਬਜੈਕਟਸ ਐਗਜ਼ਰਟ ਲੈਸਰ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਨੋਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਨੋਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੁਲਸ ਓਬਜੈਕਟਸ ਟੂਵਰਡਸ ਇਟ ਸੈਲਫ, ਇਟ ਨੈਵਰ ਪੁਸ਼ਿਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡਿਪਲਸਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚੋ ਲਿਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੋਟਸ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਹੋਰ ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਔਰ ਦੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਲੀ, ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਚਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਔਰ ਦੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਬੋਲੋ ਚਾਹੇ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਬੋਲੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੋਰਸ ਵਿਦ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਰਥ ਪੁਲਸ ਆਲ ਦੀ ਓਬਜੈਕਟਸ ਔਰ ਥਿੰਗਸ ਟੂਵਰਡਸ ਇਟ ਸੈਲਫ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੱਚੋ, ਜਿਲੇ ਅੰਬ ਪੱਕ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੰਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੀ ਅਰਥ ਪੁਲਸ ਆਲ ਦੀ ਓਬਜੈਕਟਸ ਔਰ ਥਿੰਗਸ ਟੂਵਰਡਸ ਇਟ ਸੈਲਫ। ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਦੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਕਟਸ ਔਨ ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਿਦਆਊਟ ਅਵਰ ਬੀਇੰਗ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਇਟ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਔਨ ਆਲ ਆਫ ਅਸ। ਵਾਟਰਫਾਲਸ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਦਾ। ਫੋਲਿੰਗ ਲੀਵਸ ਐਂਡ ਫਰੂਟਸ, ਫਲ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਝੜ ਕੇ। ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਸਟੋਨਸ ਰੋਲਿੰਗ ਡਾਊਨ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰਿੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ। ਕਿਡ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਡਾਊਨ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਟਾ ਬਣਿਆ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਸਲਦੇ ਨੇ, ਤਿਲਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਅਗਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਓਕੇ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ, ਮਖਨਾਤੀਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਨੋਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ, ਐਗਜ਼ਰਟਿਡ ਬਾਈ ਅ ਮੈਗਨੇਟ ਔਨ ਅਨਦਰ ਮੈਗਨੇਟ ਔਰ ਆਇਰਨ ਸਟੀਲ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਜੋ ਦੂਜੇ ਮੈਗਨੇਟ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ,
या आयरन या स्टील के किसी टुकड़े से लगाता है एक्सक्यूज मी, उन्हों क्या जाता है मैग्नेटिक फोर्स। द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट वैन दिस फोर्स कम्स इन टू प्ले। जदों बच्चे ए फोर्स हरकत भी आता है, जो फोर्स अपना कम करता है तो दो ऑब्जेक्ट जड़े ने मैगनेट वो टच नहीं करते, जिमें इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स से एक्सक्यूज मी। इसी तरह मैगनेटिक फोर्स इज़ अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दिस फोर्स कैन बोथ बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। यह फोर्स भी बच्चों पुलिंग टाइप भी हो सकता है, पुशिंग टाइप भी हो सकता है। अट्रैक्टिव मीन्स पुलिंग टाइप, रिपल्सिव मीन्स पुशिंग टाइप। जिस तरह मैं दस्या सीगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली पुलिंग टाइप एक्सक्यूज मी, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पोल्स केड़े होंदे ने, ईच मैगनेट हैज गॉट टू पोल्स, वन इज नॉर्थ पोल वन इज साउथ पोल। लाइक पोल्स मीन्स बोथ द पोल्स आर नॉर्थ और बोथ द पोल्स आर साउथ। अनलाइक पोल्स मीन्स वन पोल इज नॉर्थ एंड द अदर पोल इज साउथ। सो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। अगर दोनों नॉर्थ होंगे, अगर दोनों साउथ होंगे तो दूजे नो रिपेल करेंगे, पुश करेंगे। तो जे दोनों अनलाइक होंगे, एक नॉर्थ होएगा एक साउथ होएगा, तो वो अपने आप एक दूजे नो पुल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एंड अ मैगनेट ऑलवेज अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ आयरन स्टील एटसेट्रा। अर्थात जड़ा आयरन स्टील मैगनेटाइज नहीं हैगा उन्हों जड़ा मैगनेट हमेशा अट्रैक्ट करेगा। बच्चों इनू तुसी रिलेट करो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाल। इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच असी की क्या सीगा, अ चार्ज्ड बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज्ड बॉडी, एंड अ मैगनेट ऑलवेज अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ आयरन और स्टील विच मे नॉट बी मैगनेटाइज। जड़ा मैगनेटाइज नहीं होएगा उन्हों हमेशा आयरन नू, स्टील नू, निकल नू, क्रोम नू अट्रैक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, आओ अगे चलिए। मस्कुलर फोर्स, जड़े साड़ी मसल्स होंदियां हैं, थाई मसल्स, आर्म मसल्स, शोल्डर मसल्स, साढ़े सारे शरीर मसल्स है जिद नाल साढ़े हाथ पैर सब चलते हैं। ठीक है, मस्कुलर फोर्स इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैं बॉक्स नू पुश करना है तो आई हैव टू टच द बॉक्स, मेरा हाथ बॉक्स के नाल टच करेगा। ठीक है बच्चों, जिवें लत दे नाल पुश करना है तो मैनू लत अपना जड़ा गोडा या अपना जड़ा पैर है उन्हें टच करना पेगा। सो मस्कुलर फोर्स इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, विच इज़ कॉज्ड बाई द एक्शन ऑफ मसल्स इन द बॉडीज ऑफ हुमन्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स क्यों क्या बच्चे हो, क्योंकि बैल जड़े बोल्द ने वो कम करते हैं, झोटे कम करते हैं, घोड़े कम करते हैं, हाथी कम करते हैं, असं इन्हों कम लिए वरतते हैं। ठीक है ना, सो दोज एनिमल्स आलसो यूज देयर मसल्स इन देयर बॉडीज, एंड वी हुमन्स आलसो यूज अवर मसल्स इन अवर बॉडी फॉर वॉकिंग, फॉर रनिंग, फॉर लिफ्टिंग, फॉर पुलिंग, फॉर पुशिंग, ए सारे काम असी करते हैं। ठीक है, दी बॉडी मे बी इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट डायरैक्टली और इनडायरैक्टली। एक इंपॉर्टेंट गल है, आई मे टच द बॉक्स विद माई हैंड डायरैक्टली, तो मैं भी कर सकता एक डंडा फड़ लवा, तो डंडे के नाल मैं उन्होंने पुश करा तो भी पुश हो जाएगा, पर कॉन्टैक्ट तो हो गया ना। सो आई एम टचिंग द बॉक्स, आई एम कॉन्टैक्टिंग द बॉक्स इनडायरैक्टली थ्रू अ रॉड। ठीक है, हूँ मैं डंडे के नाल कोई चीज़ पुल करदा, हूँ देखो जिस तरह मैं खूह चो पानी कड़ना, आई एम ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वैल, तो मैं की करता मैं रस्सी दे नाल खिंचदा। ठीक है ना, सो यदा मतलब कि मैं खिंच के नूं रहा, मैं खिंच रहा बाल्टी नूं, तो बाल्टी नाल मेरा कॉन्टैक्ट किदा बनया, थ्रू द रोप। सो आई मे बी इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट डायरैक्टली, डायरैक्ट मेरे हाथ दे नाल, किसी बॉडी नाल, एल्बो दे नाल, नी दे नाल, है ना, माई टॉर्सो दे नाल, किसी भी चीज़ दे नाल मैं पुश कर सकदा, पुल कर सकदा। ठीक है, और इनडायरैक्टली दैट इज वाया सम इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट होंदा जुगाड़, लाइक रोप जिदा मैं बाल्टी खिंच रहा, रॉड मैं उन्हें पुश पुल कर रहा, प्लैंक कोई फट्टा हो सकता है, कोई लीवर हो सकता है ना। सो आई कैन यूज एनी ऑफ दिस इंप्लीमेंट्स विच विल मेक माई कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट इनडायरैक्टली। ठीक है बच्चों, यह भी गल बड़ी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ध्यान रखनी पेगी। ओके, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स इन विच द इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट कम इन फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ वन एनअदर। जेडे इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट ने, जेडे विचार
Interacting means acting upon each other. The two objects or three objects which are acting upon each other, they do not touch other physically. एक दूजे में छूंदे नहीं है गए तो फिर भी फोर्स लग रहा है उन्होंने क्या जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. या तीन एग्जाम्पल तुम देने ने बच्चों इन्हें याद रख लो जी ई एम जेम जेम मैंने होंगे हीरा जी ई एम जी फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एम फॉर मैग्नेटिक फोर्स. याद रहेगा उन रट्टा लगाने की जैम याद रखो जैम जी ई एम जैम जी फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड एम फॉर मैग्नेटिक फोर्स. दीज आर थ्री कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ओके चलिए प्रेशर. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर. सो बच्चों असल में की है प्रेशर इज ऑल्सो फोर्स बट इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया. 1 मीटर स्क्वेयर एरिया हो सकता है 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया हो सकता है. तुसी वो ले लो ना जिदा स्क्वेयर असी लेने 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर बाय 1 मीटर 1 यूनिट उत्ते जिन्ना फोर्स लग रहा उन्हों क्या जाता है प्रेशर. यदा मतलब की होया कि अगर एरिया ज़्यादा है तो मैं एरिया डिवाइड कर दाँगा तो मेरे को यूनिट एरिया आ जाएगा. सो दैट इज़ वाई प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. दैट्स वाई आई विल गेट यूनिट एरिया है ना. ताही आएगा ना यूनिट एरिया का प्रेशर ताही आएगा. सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. इट इज़ क्लीयर फ्रॉम द अबव फॉर्मूला दैट एज फोर्स इनक्रीजिज. मैं जो फोर्स बतावगा फोर्स इज न्यूमरेटर फोर्स जोड़ा हैगा है वो अंश हैगा तो प्रेशर इनक्रीजिज प्रेशर ही व्डा हो जाएगा. अगर ए अपॉन बी हैगा तो ए व्डा होएगा तो कोशेंट व्डा हो जाएगा. अगर ए छोटा होगा तो कोशेंट छोटा हो जाएगा. सो इफ यू इनक्रीज द फोर्स प्रेशर इनक्रीजिज इफ यू डिक्रीज द फोर्स प्रेशर डिक्रीजिज. है बड़ी इंपॉर्टेंट गल है. तो दूजी गल हूँ थले का ले लीए एंड इफ एरिया इनक्रीजिज प्रेशर डिक्रीजिज एंड इफ एरिया डिक्रीजिज प्रेशर इनक्रीजिज. देख लो इतने अगर मैं थले जड़ना डिवीजर हैगा डिवीजर अगर मैं डिवीजर नू वड्डा कर दाँगा तो कोशियंट विल बिकम स्मॉल एंड इफ आई शॉर्टन दी डिवीजर अगर मैं डिवीजर नू छोटा कर दाँ तो कोशियंट वड्डा हो जाएगा. तो कोशियंट की हैगा इतने प्रेशर हैगा ठीक है ना. डिविडेंड हैगा फोर्स तो डिवीजर हैगा एरिया. सो अगर फोर्स वड्डा करांगे प्रेशर वड्डा हो जाएगा फोर्स छोटा करांगे प्रेशर छोटा हो जाएगा. तो थले ले लिए अगर एरिया वड्डा करांगे प्रेशर छोटा हो जाएगा उल्टा हो गया. इफ वी डिक्रीज द एरिया प्रेशर बिकम्स मोर एंड इफ वी इनक्रीज द एरिया प्रेशर बिकम्स लैस. हुण अगर सवाल आ जाए बच्चों कि हाउ कैन यू डिक्रीज द प्रेशर मतलब यू कैन नॉट चेंज द फोर्स. कहने का यू कैन नॉट चेंज द फोर्स यू आर सपोज टू डिक्रीज द प्रेशर. किस तरह करोगे तो असं कहेंगे वी इनक्रीज द एरिया असं एरिया व्डा कर देंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा बस. बिकॉज फोर्स तो कॉन्सटेंट है कहते फोर्स चेंज नहीं कर सकते प्रेशर घटाना है तो एरिया व्डा कर दो तो फोर्स जोड़ा है वह छोटा हो जाएगा. अगला पॉइंट बच्चों लिखना है कि लिक्विड्स एंड गैसेज एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनरस. हूँ जरा बच्चे वो पैकेट में दुध हों दुध हों दुध जोड़ा है वो पैकेट के आस पास सारी चारों पास प्रैशर एग्जर्ट कर रहा हों. इसी तरह जो असी जग में दुध पाने जग में शिकंजवी पाने जग में रूह अफजा पाने जग में असं कोई लस्सी पाने तो सारी जरा जग के आस पास जी चारों साइड्स है गोल साइड है तो थले बॉटम है वह सारे लिक्विड जड़ा है वह प्रैशर एग्जर्ट कर रहा हों. इसी तरह जल्द गुब्बारा फैलाने तो गुब्बारे गैस होंगी है तो गैस मतलब गैस साड़ी हवा ही होंगी जी हवा असी भरते हैं तो हवा जी है वह गुब्बारे के सारे सरफेस से इंटरनली प्रेशर एग्जर्ट कर रही होंगी है. सो गैसेज एंड लिक्विड्स दे एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर जेदे विचो पाया होंगे जेच गैस पाई गई है जेदे विच लिक्विड पाया गया है उसकी वॉल्स उसकी दीवार से उसके सरफेस से इंटरनल से ऑल लिक्विड्स एंड ऑल गैसेज एग्जर्ट प्रेशर. आओगे चलिए हूँ ओके पुल है तो बड़ा सिंपल जी बच्चों इंग्लिश का वर्ड ही है. देर इज़ नथिंग साइंटिफिक अबाउट इट पर वी हैव बिकॉज इट इज़ इन द लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स सो वी हैव टू राइट समथिंग अबाउट इट ठीक है ना. सो पुल का एक बड़ा सिंपल इंग्लिश वर्ड है द पुल इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है ना. पुल की है बच्चों अट्रैक्शन का अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स की एक टाइप हैगी कह सकते हैं. इन अ पुल ऑब्जेक्ट्स मूव क्लोज टू ईच अदर जो अभी पुल करते हैं तो नेड़े आंदा है. जब मैं पुल करता मैं बाँह फड़ के बच्चे नूं अपने नाल खिंचया डिस्टेंस रिड्यूस हो गया. मैं हुक फड़ के मतलब किसी हुक के नाल बक्से नूं अपने नाल पुल किया द डिस्टेंस बिटवीन बॉक्स एंड मी हैज़ रिड्यूस्ड.
सो ये मतलब कि पुल विच की होंगे ऑब्जेक्ट्स दे मूव क्लोज टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल पुलिंग आउट अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वैल. हूँ जिमें जिमें मैं पुल कराँगा तो बाल्टी विच ते मेरे विच डिस्टेंस जरा रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है. एंड पुलिंग अ व्हील्ड लोड. हूँ मान लो मेरे को सूटकेस हैगा, मैं वो सूटकेस परे हैगा तो मैं इदा वो एक हुक पाई रस्सी दे नाल मैनू अटकाया तो अपने खिंचया, तो या फिर मैं पुल करके नाल नाल मैं अगे चली जावगा तो पिछे पिछे मेरे वो व्हील्ड लोड जोड़ा है या रेहड़ी हैगी है कोई क्रेट हैगा वो नीचे मैं ट्रॉली दे लग के मैं उन्होंने खिंच सकदा. सो पुलिंग अ व्हील्ड लोड आई एम ऑलसो वॉकिंग. सो मेरे नाल पिछे पिछे वो आई जा रहा है. ठीक है आओ अगे चलिए. पुश दिस द लास्ट वन. द पुश इज अ फॉर्म ऑफ अ फोर्स ऑफ रिपल्शन. जिमें पुल इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. द पुश इज अ फॉर्म ऑफ अ फोर्स ऑफ रिपल्शन. जिमें लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. ठीक है. लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. सो मैग्नेटिक की कर रहे हैं पुश कर रहे हैं. चार्ज बॉडी इज पुशिंग दी अनदर चार्ज बॉडी विच इज ऑफ लाइक चार्ज. ठीक है ना. नॉर्थ नॉर्थ पोल इज पुशिंग अवे अ नॉर्थ पोल. साउथ पोल इज पुशिंग अवे अ साउथ पोल. ठीक है. इन अ पुश ऑब्जेक्ट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. पुश विच की होंगे बच्चे जोड़े ऑब्जेक्ट्स है एक दूजे तो दूर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल पुशिंग अवे अ हैवी बॉक्स लाइंग ऑन फ्लोर. मैं इदा हाथ नाल पुश किया तो जोड़ा बॉक्स मेरे कोल सीगा मेरे तो दूर हो गया. ठीक है. एंड पुशिंग वन सैल्फ अप एज इन पुशअप्स. डंड कटते हैं जल्दी आप मतलब मैं थले अपने ढिड दे भार आई एम लाइंग ऑन माई स्टोमक. मैं पाम्स अपन हथ हथेलियाँ थले रखिया तो मैं अपने आपू की किया पुशअप किया डंड कटिया तो उन्हें की है मेरी छाती जी उन्हें टच कर दी सी फर्श के नाल. हूँ फर्श तो मेरी छाती उपर हो गई. सो वट हैज हैपनड आई हैव पुश्ड माई सैल्फ अप. ठीक है. आई हैव पुश्ड माई सेल्फ अप विच हैज वट इट हैज डन इट हैज इनक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन माई चेस्ट एंड द फ्लोर. फ्लोर विच ते छाती विच जड़ी दूरी वध गई ते क्यों क्योंकि पुश इज अ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन. ठीक है. सो बच्चो ए इस तरह सी तुहाडी डेफिनेशंस ते नोट्स विच आई ट्राई टू कवर कॉम्प्रीहेंसिवली मतलब सारा कवर करने की कोशिश की जो जो तुहाडे चैप्टर विच हैगा. जिथे कितने कोई एक्सट्रा चीज़ चाहिए सी मैं विच इज़ विच कम्स विद इन दी यू नो परव्यू ऑफ यूअर सिलेबस वो मैं कवर करने की कोशिश की है. एंड आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल टू यू फ्रूटफुल टू यू इन अंडरस्टैंडिंग दी ऑल दीज टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है तुहाडे चैप्टर के फोर्स एंड प्रेशर के. मैं आस करदा कि ये तुहानू बहुत सहायता मिली होगी. यू कैन डाउनलोड दिस वीडियो पॉज करके सारी गल्लां तुसीं नोट कर सकते हो तो इनू चंगी तरह मैमोराइज़ कर लो और चंगी तरह समझ भी लो. मैं बोल के हर गल्ल नू अच्छी तरह तुहानू समझा भी दिता है. तुसीं सारे चैनल नू सबसक्राइब करो वीडियोज़ नू लाइक अते शेयर करो तो तुहाडी 8th क्लास की मैथ जिहड़ी है उहदे सारे सवाल भी हल करके इसी चैनल पर पाए हुए हैं. सो यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट नेम्ड 8th मैथ. उत्थे जाके तुसीं मैथ दे सारे सवाल भी किते हुए देख सकते हो. इसी तरह एक एक सवाल नू करके बोल के चंगी तरह समझाया गया है. सो तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद. रब रखा. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.